सो लेट्स बिगिन। कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स में तीन इवेंट्स में से पहली वोल्केनिज्म जो हमें देखी। अब चलते हैं अर्थक्वेक पे। अर्थक्वेक यानी सडन मूवमेंट ऑफ एनी प्लेट और एन लैंडफॉर्म, उसकी वजह से उससे वाइब्रेशंस क्रिएट होता है अर्थ के सरफेस पे, इसे अर्थक्वेक कहते हैं। एक्चुअली इट्स नथिंग बट अ रिलीज ऑफ एनर्जी। अब अगर सोचे कि दो प्लेट्स इस तरह से हैं कि उनके जो सरफेस जो होते हैं, जहाँ पे वो मीटिंग प्लेस होता है, जहाँ पे वो इंटरेक्शन कर रही है, वो स्मूथ नहीं होती, रगेड होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी जो अलग अलग जो उनके लैंडफॉर्म्स के फीचर्स होते हैं, उनकी जो रगेड टोपोग्राफी है, इस तरह से उनके जो जॉइंट्स हैं वो एक दूसरे पे फंस जाते हैं। इंटेंस कंप्रेशन फोर्स फिर भी रहता है और फिर एक पोजिशन ऐसी होती है कि वो बहुत ही रिलीज के साथ जो है एक दूसरे से दूर होती है, राइट। तो इस तरह से जो रिलीज ऑफ एनर्जी हुई होती है, इसे कहते हैं हम अर्थक्वेक। ये प्लेट में जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो वाइब्रेशन सरफेस तक आते हैं और हमें वो अर्थक्वेक की तरह महसूस होते हैं। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, शैलो फोकस हो सकते हैं, इंटरमीडिएट फोकस हो सकते हैं या डीप फोकस। यानी शैलो यानी अर्थ के सरफेस के नजदीक में, डीप फोकस यानी अर्थ के डीपेस्ट पार्ट में। जनरली इस तरह होता है कि ओशनिक क्रस्ट जो है उसके बीच में अगर कोलिशन हो रहा है तो क्या होगा कि इस कोलिशन में यहाँ पे ये दोनों प्लेट के बीच में जो कोलिशन की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है, जो फ्रिक्शन होता है और जो वाइब्रेशन होता है, इसलिए इस सारे रीजन में जो है शैलो फोकस अर्थक्वेक के इंसिडेंस पाए जाते हैं। फिर ये जो प्लेट सबडक्ट होती है यहाँ पे, और यहाँ पे सबडक्शन के दौरान हाई टेम्परेचर में इस प्लेट में जो है मेल्टिंग स्टार्ट होती है, उसके रॉक्स में मेल्टिंग होती है, और इस मेल्टिंग के दौरान जब ये उसका कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं और ये जो है ट्रेमर बनके यहाँ पे भी अर्थक्वेक क्रिएट करता है, और इस टाइप के अर्थक्वेक को जो है इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक कहा जाता है। इस एंड पोजिशन में जहाँ पे ये जो क्रक है पूरी क्रैक हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वहां पे भी इस पूरे एरिया में जो डिस्टर्बेंसेस, जो ट्रेमर्स क्रिएट होंगे, वो जो होंगे डीप फोकस अर्थक्वेक होंगे, राइट। सबसे डेंजरस अर्थक्वेक ऑब्वियसली द शैलो फोकस अर्थक्वेक रहेंगे, ना कि डीप फोकस। ये याद रखना है कि ये जो प्लेट का जो भी पार्ट है जो पूरा मेंटल में जा रहा है, इस पूरे जोन को बेनी ऑफ जोन कहते हैं, राइट। सो दिस इज द थ्री टाइप्स, शैलो फोकस, इंटरमीडिएट फोकस और डीप फोकस। जनरली प्लेट जो है जिस जगह पे वो सबडक्ट करे उस हिसाब से ये फोकस जो है डेवलप होता है। एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ जिस तरह से जापान में अर्थक्वेक होता है। जापान जो है वो ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है, यानी कि तीन प्लेट के जंक्शन पे लोकेटेड है। इस तरह से हमारा गल्फ ऑफ कच्छ जो गुजरात है वो भी तीन प्लेट के जंक्शन पे जो है लोकेटेड है, इसलिए गुजरात भी अर्थक्वेक प्रोन जोन है जिस तरह से जापान है। जापान में क्या होता है कि यहाँ पे वो यूरेशियन प्लेट पे लोकेटेड है, बट यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है वो भी यहाँ पे सबडक्ट हो रही है, यहाँ पे कोलिशन हुआ है, और ये जो है पैसिफिक प्लेट जो है बहुत बड़ी प्लेट है, हैवी होने की वजह से ये इस प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है और उसकी मेल्टिंग होती है, राइट। और वोल्केनिक आइलैंड यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे सरफेस पे वो यहाँ पे अर्थक्वेक क्रिएट करेगी, शैलो फोकस अर्थक्वेक। फिर उसकी मिडल प्लेट के जो मिडल जगह है वहां पे इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक, और डीपेस्ट पोर्शन में अगर आप इमेजिन करें प्लेट को यहां तक, तो यहां पे वो इस रीजन में डीप फोकस जो है अर्थक्वेक यहां पे क्रिएट करेगी। तीसरी जो प्लेट है फिलिपाइन, वो भी यहां इस नीचे यूरेशियन प्लेट के नीचे जो है सबडक्ट हो रही है, और इसकी वजह से यहां पे भी वोल्केनिज्म आ सकता है और यहां पे इसकी वजह से अर्थक्वेक भी आता है, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेट के बीच में इंटरेक्शन होता है तब इस तरह के जो है अर्थक्वेक डेवलप होते हैं, शैलो फोकस, इंटरमीडिएट फोकस एंड डीप फोकस। यहाँ पे भी जापान आप देख सकते हैं, ये नीचे पैसिफिक प्लेट है सबडक्ट हुए, उसके नीचे जो है फिलिपाइन सबडक्ट हुई, और उसके ऊपर जो है इस तरह की यूरेशियन प्लेट है, राइट। अर्थक्वेक के पीछे रीजंस क्या होते हैं? पहला रीजन कोलिशन ऑफ द प्लेट्स, राइट। हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ा था, ओशनिक कोलिशन होता है तब वोल्केनिक आग्स जो बनते हैं, वोल्केनिक आग्स, वहां पे भी उस टाइम पे जो है अर्थक्वेक आता है। देखिए हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई भी प्लेट, जैसे मैंने कहा, इंटरैक्ट करती है, जो अगर वो कोलिजन हो या डाइवर्जेंस हो, वो अर्थक्वेक जो है वो क्रिएट करेगी, राइट। क्योंकि जो प्लेट अगर मूव कर रही है
तो वो स्मूथली मूवमेंट नहीं होता, उसमें हमेशा फ्रिक्शन होता है। अगर वो डाइवर्ज भी हो रही है तभी भी फ्रिक्शन होगा, कन्वर्जन हो रही है तभी भी जो है प्लेट के दौरान उन दोनों के इंटरेक्शन में फ्रिक्शन होता है। तो हमेशा जो भी प्लेट बाउंड्री, जो मैंने कहा था अनस्टेबल पार्ट के अर्थ के जो पार्ट है वहां पे हमेशा जो है अर्थक्वेक आए। तो इसके लिए सारे जो हमारे इंटरेक्शन है, जैसे ओशन ओशन कोलिजन, ओशन कॉन्टिनेंटल कोलिजन या कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन, वहां पे अर्थक्वेक जो है आएंगे, वोल्केनिक आइलैंड बने या माउंटेन चेन या इस तरह के हमारे फोल्ड माउंटेन्स। हम यहाँ पे पता है इंडिया में हमारे जो कॉन्टिनेंटल कोलिजन की वजह से जो हिमालय क्रिएट हुआ है वहां पे वोल्केनिज्म नहीं है, बट मैंने बताया था कि यहाँ पे बहुत ही हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आने की जो है पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो कंप्रेसिव फोर्स होता है दोनों का वो इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पे इस जगह पे वो दो प्लेट्स फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है, और फिर एक पोजिशन में ये प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाती है, उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है इससे जो है अर्थक्वेक क्रिएट होता है। सेम इज विद ऑल दिस काइंड ऑफ कोलिजन, जो एनर्जी दो प्लेट के इंटरेक्शन से होगी उससे जो है अर्थक्वेक क्रिएट होंगे। सेकेंड रीजन मैंने बताया डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ओशन ओशन डाइवर्जन में जैसे मिड ओशनिक रिज भी क्रिएट हो रही है तब यहाँ पे भी अर्थक्वेक जो है आएंगे। जब ये वोल्केनिज्म जिस यहाँ पे पूरी क्रस्ट को ब्रेक करेगा उसके बाद पूरा वोल्केनिज्म जो है यहाँ से बाहर आएगा, इन सभी चीजों में भी तो एनर्जी रिलीज होगी और इसीलिए यहाँ पे इस रीजन में भी अर्थक्वेक आएगा। लेकिन ये बेसाल्टिक लावा है, काफी इजिली और स्मूथली बाहर आता है, इसलिए यहाँ पे जो अर्थक्वेक जो आते हैं वो काफी माइल्ड होते हैं, ये फ्रिक्शन जो है बहुत कम होता है। तीसरा रीजन है ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री, दो प्लेट एक दूसरे से जब स्लिप ऑफ पास होते हैं, मैंने बताया कि बाउंड्री जो होती है उनकी रगेड बाउंड्री होती है, स्मूथ नहीं होती, और इस वजह से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो प्लेट है पैसिफिक प्लेट नॉर्थ जा रही है और अमेरिकन प्लेट सदर्न साइड जा रही है, और इसकी वजह से यहाँ पे जो फॉल्ट क्रिएट होती है यहाँ पे भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है दो प्लेट बाउंड्री के बीच में और अर्थक्वेक आता है। तो तीनों इंटरेक्शन जो है प्लेट की, या फिर वो डाइवर्जेंस हो, कन्वर्जेंस हो या ट्रांसवर्स हो, इन सभी पोजीशंस में जो है अर्थक्वेक आएंगे, राइट। और जब भी वो बाउंड्री जो होती है एक्टिव होती है तभी अर्थक्वेक आएंगे, राइट। ऐसा नहीं कि गुजरात ट्राई जंक्शन पे है तो 24x7 अर्थक्वेक आते रहेंगे, जब भी वो प्लेट एक्टिव होती है, मूवमेंट होती है, या फिर ट्रैप होने के बाद जब रिलीज होती है उसकी एनर्जी तभी अर्थक्वेक आता है। फोर्थ पोजिशन मैंने बताया था मेडिटेरियन सी, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी प्लेट्स हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन जब होता है तब वोल्केनिज्म भी होता है, और सेम रीजन जैसे हमने और प्लेट टेक्टोनिक रीजन है यहाँ पे अर्थक्वेक भी आएंगे। सो दिस इज द फोर्थ रीजन। फिफ्थ रीजन है क्रेटोन, क्रेटोन यानी ज्योग्राफी में एक ऐसा पोर्शन जो स्टेबल पार्ट ऑफ है अर्थ का, यानी मैंने बताया जो इनस्टेबल है जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक जो है प्लेट एक्टिव है उसके एक्टिव मार्जिन होते हैं वो अनस्टेबल होता है, लेकिन जो स्टेबल पार्ट होता है यानी जनरली वो प्लेट्यूज होते हैं जहाँ पे पहले टेक्टोनिक एक्टिविटी हो चुके है, अब इरोड हो चुके हैं और उसके नीचे कन्वेक्शन सेल जो है वो एक्टिव नहीं है। तो ऐसे जो रीजन्स होते हैं जिसे हम क्रेटोन कहते हैं, वो क्रेटोन में जनरली ना ही वल्केनिज्म होता है ना ही अर्थक्वेक होता है, लेकिन ऐसे जो पोर्शंस है वो इरोड होते जाते हैं तब शायद उनमें कोई क्रैक जो है पुरानी क्रैक्स वो बाहर आती है, एक्सपोज होती है, और उन क्रैक्स की वजह से जो है वाइब्रेशन क्रिएट होता है और फिर वहां पे अर्थक्वेक आ सकता है। सिक्स रीजन इज ह्यूमन इंड्यूस, हमारे कुछ ह्यूमन एक्टिविटी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं, जैसे कि आरआईएस यानी रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। अर्थ में जो एक्चुअली कोई भी वेट होता है वो बैलेंस होता है, यानी कि कहीं पे भी माउंटेन रेंजेस हैं, कहीं पे रिवर्स है, कहीं पे प्लेन्स हैं, तो माउंटेन रेंज का जो वेट होता है, रिवर्स का जो वेट होता है, वो अर्थ के जो सरफेस लिथोस्फीयर में जो होता है वो एक तरह से अर्थ जो है सरफेस उसको बैलेंस करती है, उसे आइसोस्टेसी कहते हैं। वैसे आइसोस्टेसी इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर जीएस, इसलिए मैं थोड़े सिंपलिस वे में बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारे लैंडफॉर्म्स होते हैं वो अलग तरह से जो है अर्थ बैलेंस करते हैं। जैसे अगर आप पानी के अंदर अलग अलग चीजें रखेंगे, अगर कोई मेटल का पोर्शन रखेंगे, उसकी बॉल रखेंगे, बलून रखेंगे, तो उसकी अलग अलग पोर्शन में वो सबमर्ज होगा, जो हैवी होगा वो ज्यादा सबमर्ज होगा, जो हल्का होगा वो कम सबमर्ज होगा। तो अर्थ भी जो है अलग अलग इस तरह के लैंडफॉर्म्स को बैलेंस करती है, राइट। और जब भी अर्थ पे माउंटेन रेंजेस ही बन रही है तो वो माउंटेन रेंजेस बनने में काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, यानी कि अर्थ के सरफेस पे जो चेंजेस आ रहे हैं इस वेट में वो बहुत ही ग्रेजुअल वे में होते हैं, तो इसकी वजह से अर्थ को टाइम मिलता है उसे बैलेंस करने का।
लेकिन जब हम बड़े बड़े डैम्स क्रिएट करते हैं उसके डैम्स के साथ जो बड़े बड़े लेक्स एंड रिजर्वर क्रिएट करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम उस रीजन का जो वेट जो है वो ज्यादा कर देते हैं, और उस रीजन का वेट अचानक से ज्यादा होने की वजह से उस रीजन के अराउंड ट्रेमर्स क्रिएट होते हैं, वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, और इसकी वजह से जो है वहां पे अर्थक्वेक आते हैं। इंडिया में महाराष्ट्र में कोयना डैम बना था, कोयना रिवर में, वो जो रिजर्वर था उसके बनने के बाद कुछ ही टाइम में वहां पे सिस्मिसिटी पाई गई थी, अर्थक्वेक हुए थे। तो ये है रिजर्वर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। माइनिंग, बहुत ही ज्यादा डीप माइनिंग की जाए तो भी ट्रेमर्स क्रिएट हो सकते हैं। न्यूक्लियर टेस्टिंग भी अगर हम डीप अर्थ में करें तो भी जो है सिस्मिसिटी होने की या अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं। सो दिस थ्री आर द ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, हम ह्यूमन एक्टिविटीज से होते हैं। हमें देखा वोल्केनिज्म, उसके टाइप्स, लैंडफॉर्म्स कैसे क्रिएट होते हैं, अर्थक्वेक उसके रीजंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है वहां पे भी अर्थक्वेक आएंगे, जहां पे भी प्लेट जो है एक्टिव है वहां पे अर्थक्वेक आएंगे, राइट। लास्ट हम जो एक्टिविटी देखना चाहते हैं वो है सुनामी। सुनामी और कुछ नहीं लेकिन सबमरीन अर्थक्वेक है। जो लैंड पे जो अर्थक्वेक आता है उसी तरह से अगर ओशन क्रस्ट पे जो अगर अर्थक्वेक आता है तो उससे जो बड़े वेव्स क्रिएट होते हैं उसे सुनामी कहते हैं। सुनामी इज अ जैपनीज वर्ड, राइट। सडन डिस्टर्बेंसेस इन द ओशन क्रस्ट। नॉर्मल वेव्स जो होते हैं हमारे ओशन में या सी में, उनकी जो स्पीड होती है वो 100 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन जो सुनामी वेव्स होते हैं उनकी स्पीड अराउंड 700 किलोमीटर पर आवर होती है। तो सबसे पहले नॉर्मल वेव से सुनामी वेव्स जो है वो ज्यादा स्पीड में, उनकी स्पीड ज्यादा होती है। नॉर्मल वेव्स की वेवलेंथ जो होती है वो अराउंड 100 मीटर होती है, और सुनामी वेव की वेवलेंथ जो है वो मोर देन 150 किलोमीटर होती है। तो उनकी वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वो कवर भी जो है वो ज्यादा करते हैं। फॉर द नॉन साइंस स्टूडेंट, व्हाट इज वेवलेंथ? अगर कोई वेव है तो उसका ये ऊपर का जो है उसे क्रेस्ट कहते हैं, नीचे जो पोर्शन है उसे ट्रफ कहते हैं। दो क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ कहते हैं। हमने देखा कि नॉर्मल जो वेव्स है उसकी वेवलेंथ अराउंड 100 किलोमीटर है, लेकिन जो सुनामी वेव्स है उनकी वेवलेंथ जो है ज्यादा है, मतलब उनका एक वेव जो है उसकी वेव की लेंथ है वो ज्यादा, यानी वो ज्यादा डिस्टेंस जो है कवर करता है। पहले सुनामी कैसे क्रिएट होती है उसके फेजेस हम देखें तो सबसे पहले कोई जो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से यहां पे अगर फॉल्ट लाइन क्रिएट होती है या कन्वर्जेंस हो रहा है और इसकी वजह से यहां पे जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो जो शॉक वेव होता है वो यहां पे ऊपर जो है वो पास होता है, यानी कि वाटर जो है इस तरह से अपलिफ्ट होता है, डिस्प्लेस होता है ऊपर की साइड। तो ये जो होता है यहां पे सुनामी वेव का जनरेशन हो गया। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ सुनामी। अगर कोई वेसल जो है यहाँ पे पास हो रहा है, सपोज हमारे इंडियन ओशन में कहीं पे भी अर्थक्वेक आ गया और वहां पे सुनामी वेव इस तरह से उस रीजन के ऊपर जो है वो जनरेट हो गया, लेकिन हमने देखा कि जो सुनामी वेव होती है उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, राइट। सो बट उनका वेव जो शेप होगा काफी स्मूथ होगा, इसलिए अगर यहाँ पे कोई ओशन वेसल या कोई सी फेयरिंग वेसल जो है पास भी हो रहा है तो उसे पता नहीं चलेगा कि नीचे जो है सुनामी वेव जो है वो पास हो रहा है। ओपन सी में सुनामी वेव्स पता नहीं चलते। अब सेकंड फेज में ये होता है कि जब यहां पे तो वाटर जो है अपलिफ्ट हो गया, यहां पे पूरा जो पानी जो है यहां से पूरा इकट्ठा होगा इस रीजन में जहां पे क्रैक हुई है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो कोस्ट है वहां पे पानी जो है रिसीड होता है, पीछे जाता है। अगर आप किसी कोस्ट पे खड़े हैं इंडियन ओशन में, अगर इंडियन ओशन में कहीं पे भी अर्थक्वेक आए तो अराउंड 10 या 15 मिनट्स बीच पे खड़े हैं, पानी जो है पीछे चला जाएगा, जस्ट लाइक लो टाइड अचानक से पीछे चला जाएगा। और जो लोग बीच पे नहीं भी होंगे वो भी इस क्यूरियोसिटी होगी कि ये क्या हो रहा है और देखने के लिए कोस्ट पर आएंगे, राइट। तो सेकंड फेज में होता है कि पानी जो होता है रिसीड होता है, बैक होता है। फिर ये होता है कि ये जो वेव्स होता है वो वेव्स जैसे ही उनकी डेप्थ कम होती है, उनकी वेवलेंथ से जैसे ही हाफ उनकी वेव यहां की उसकी डेप्थ हो जाएगी, उनकी हाइट बढ़ती जाएगी और इतनी बढ़ेगी कि अराउंड 10 to 12 मीटर हाइट यहां पे उनके कोस्ट पे उनकी हाइट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। दिस इज इन द सेकंड फेज। जैसे डेप्थ कम होगी उनकी वेवलेंथ कम होगी और उनकी हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी, राइट। और एनॉर्मस एनर्जी इन द थर्ड फेज इट विल बी रिलीज एट द कोस्ट।
दिस इज द थर्ड फेज ऑफ द सुनामी, इट हिट द कोस्ट. और सुनामी वेव जो है वो कोई एक वेव नहीं होता है, देयर मल्टीपल वेव्स, और उनका जो फोर्थ और एट्थ वेव होता है वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है. और दो वेव्स, दो सुनामी वेव्स के बीच में आने की जो उनके टाइम डिफरेंस है वो अराउंड 15 to 50 minutes है. यानी एक वेव आएगा, उसके बाद जो दूसरा वेव आएगा उनमें डिफरेंस होगा सिर्फ 15 या 50 minutes का. सो सुनामी वेव्स आर नॉट जस्ट अ सिंगल वेव, दे आर मल्टीपल वेव्स. तो ये फेजेस हो गए होंगे. पहले तो यहाँ पे कोई क्रैक डेवलप होता है, अर्थक्वेक आता है यहाँ पे, उस वाइब्रेशन से ये वेव्स जो है ऊपर पास ऑन होते हैं, पानी का यहाँ पे अपलिफ्टमेंट होता है, यहाँ पे जनरेशन होता है उसका, और उसकी वजह से जो पहले ये पानी जो है वो रिसीड होता है कोस्ट पे से. धीरे धीरे ये सुनामी वेव काफी ज्यादा वेवलेंथ और स्पीड में यहाँ पर आते हैं. जैसे ही कोस्ट आता है यहाँ पे उनकी डेप्थ कम हो जाती है, वेवलेंथ जो है उसकी वजह से उसको मेंटेन करने के लिए उनकी हाइट बढ़ जाती है बहुत ही ज्यादा, 10 to 12 meters. और फिर उनकी जो रिलीज यहाँ पे जो एनर्जी थी वो यहाँ पे कोस्ट पे जो है वो रिलीज होती है. तो दिस इज हाउ द सुनामी अकर्स. अब हम देखते हैं कि इंडियन प्रिपेयर्डनेस फॉर द सुनामी. ये टॉपिक शायद ज्योग्राफी में आ सकता है, लेकिन आई कवर्ड इट फॉर GS3, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट जो टॉपिक है उसमें आप उसको लिख सकते हैं. अब इंडियन ओशन में जो सुनामी आ गए हैं उसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ताकि हम अगर फिर से सुनामी आए तो हम उसके बचने के लिए क्या क्या जो है मैनेजमेंट कर पाए. तो सबसे पहले सुनामी अर्लिंग वार्निंग सिस्टम जो है हमारे कोस्टल लैंड पे लगाई गई है, राइट. वो इस तरह की सिस्टम है कि हमें कहीं पे भी इंडियन ओशन में अर्थक्वेक हो रहा है उसकी वार्निंग हमें सिर्फ 10 minutes में उस सेंटर्स पे मिल जाएगी. उन सभी सेंटर्स का मेन सेंटर होगा इनकॉइस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन साइंसेज हैदराबाद. वो मेन हेडक्वार्टर है, सारे जो कोस्ट पे जितने भी सेंसर्स लगाए उनका हेडक्वार्टर ये है इनकॉइस. टू कैप्चर हमें सुनामी वेव्स को 24/7 जो है उसके सुनामी वेव्स, यानी हमने देखा कि नॉर्मल वेव्स से सुनामी वेव्स की जो है वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो उस वेवलेंथ को पकड़ने के लिए सेंसर्स लगाए गए, रियल टाइम सी लेवल सेंसर्स विथ बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर्स, इवन हाई फ्रिक्वेंसी रडार्स फॉर कोस्टल करंट्स एंड कोस्टल टाइड गेज सेंटर्स या स्टेशंस. यानी ये सभी कुछ जो है वो नीचे वाइब्रेशंस हो रही है, अगर नॉर्मल वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ आ रही है, वेव से ज्यादा स्पीड आ रही है, ये सब चेक करने के लिए सारे जो सेंसर्स लगाए गए. तो दिस इज हाउ इंडिया इज नाउ प्रिपेयर्ड फॉर द सुनामी. तो आज हमने देखा कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स ऑन अर्थ, तीन देखी, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक एंड सुनामी, देयर रीजंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस देखे हमने, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक एंड सुनामी. अब देखिए मेंस में जो भी नए टॉपिक्स 2013 में जो आए हैं उस नए सिलेबस के टॉपिक्स को हमें ज़्यादा ध्यान देना है, राइट. जो पुराने सब्जेक्ट्स या पुराने टॉपिक्स थे उसमें क्वेश्चंस जो है एग्जॉस्ट हो गए थे, इसी वजह से UPSC ने नए सिलेबस में नए टॉपिक्स ऐड किए. तो जो नए टॉपिक्स है लाइक दिस कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स या वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो ये इस सारे पोजिशन, इस टॉपिक्स हमें ज़्यादा ध्यान देना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, राइट. दिस इज वाई आई टेक दिस टॉपिक इज इंडिविजुअल, या फिर प्लेट टेक्टोनिक से ही रिलेटेड है, कुछ उसमें ज़्यादा अलग नहीं है, राइट. प्रिपेयर अकॉर्ड इट. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे. This is also, I want to tell you one thing, this is also the marks the end of geomorphology. Next lecture से मैं oceanography की जो है begin करूँ, right. तो इसीलिए अगर geomorphology से कुछ भी related question है आज कर लीजिए या फिर next question से. Thank you.